दोस्तों ये दिन था 23 जून 2018 का। 12 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 16 सालों के दरमियान थी, उन्होंने अपने 25 साल के फुटबॉल कोच को भी इस प्लान में शामिल किया और वह लोग अपनी बाइसिकल पर सवार होकर थेम लुवांग केव के अंदर चले गए। उन 13 लड़कों के ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक होने जा रहा है। उनको गार के अंदर गए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये 13 लड़के अंधेरी गार में काफी डीप जा चुके थे, इसी वजह से इनको बाहर पड़ने वाली बारिश का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। लड़कों के घर वालों को जो यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, जब वह टाइम पर वापस घर ना लौटे तो उनको भी परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से अब ना तो उन 13 लड़कों से कॉन्टेक्ट हो पा रहा था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वह इस वक्त किस जगह मौजूद है। आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक हिंट मिलने पर मालूम पड़ा कि लड़के थेम लुवांग केव की तरफ गए हैं। जब घरवाले भागते भागते केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। ये देखा गया कि केव के एंट्रेंस पर फुटबॉल प्लेयर की साइकिल और उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन उनके बच्चों का नामो निशान कहीं पर भी नहीं है। अभी पेरेंट्स ये धचका बर्दाश्त कर रहे थे कि उनको एक और मंजर ने हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मुसलसल बारिश की वजह से केव के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो वाकई एक बहुत खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने आते साथ ही गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर हर जगह पानी भरता जा रहा था और सोने पर सुहागा अंदर घुटन की वजह से सांस लेने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला छपाछप पानी मुसलसल गार के अंदर जमा होता जा रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया जब गार के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर उन परेशान पेरेंट्स पर आग बनकर गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का कहना था कि गार के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां अब पानी गार की छत से जा लगा है। ज्यादा अक्यूमेंट ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यही रोकना पड़ा। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अगर वो 13 फुटबॉल प्लेयर्स गार के अंदर अभी तक जिंदा है तो उनको ये रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। केव के एक मैप से मालूम पड़ा कि इसके कुछ हिस्से काफी डीप है, जबकि चंद पॉइंट पर एक केव ऊंचाई की तरफ भी जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये फुटबॉल प्लेयर जिंदा होंगे तो वह उन हिस्सों में ही पनाह ले रहे होंगे जो ऊंचाई पर है। सारी रात गार के अंदर पानी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था। सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले गार से पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप लगा दिया, लेकिन सबको सिर्फ एक ही सवाल तंग कर रहा था कि अगर वो 13 लड़के अभी तक जिंदा है तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वह ये कि प्रोफेशनल ड्राइवर पानी के जरिए गार के अंदर जाए और लड़कों को तलाश करे, लेकिन उन ड्राइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए, जिनको अंडरवाटर मिशंस का काफी एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते पल के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर है अगर वह जिंदा भी होंगे तो ना ही उनके पास इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जिस जगह वह फंसे होंगे वहां इतना ऑक्सीजन बाकी रहा होगा कि वह सांस ले सके। थाई नेवी के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाजा लगाना था कि फुटबॉलर्स केव के किन पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट पताया बीच कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफी उम्मीद थी, लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि इसको पानी में काफी दूर तक स्विम करना था और वह भी गार की तंग जगह और बिल्कुल अंधेरे पानी में। इस पॉइंट तक पहुंचना ड्राइवर के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि गार का लेआउट मुश्किल होने के साथ साथ यह पानी इतना मैला था कि इसमें ड्राइवर को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। अब क्योंकि और कोई ऑपरेशन तो था नहीं, इसी वजह से ड्राइवर्स के अंदर जाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते थे वह एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते थे,
ताकि वापसी का रास्ता उनके लिए आसान हो सके। उनके लिए केव के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वापस आना काफी आसान हो जाता था क्योंकि वह लाल रस्सी केव फॉलो करके वापस आ जाते थे। पूरे दो दिनों के बाद केव के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि यहां किसी भी लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर अभी भी काफी ज्यादा गहराई में मौजूद है। नेवी कमांडोस थे तो एक्सपर्ट, लेकिन उनको केव रेस्क्यू का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। इसी वजह से उनको हर कदम उठाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर्स को फंसे पूरे चार दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे की कवरेज दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मीडिया कवरेज देखकर पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। लिहाजा अब टाइम आ चुका था कि प्रोफेशनल केव रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम, जिनको केव में फंसे लोगों को बचाने का खास एक्सपीरियंस था, वह अब मौके पर आ चुकी थी। सबसे पहले इन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि गार से पानी निकालने के अमल को बढ़ाना चाहिए। पहले जहां सिर्फ गार के एंट्री पॉइंट से पानी खींचकर निकाला जा रहा था, अब दूसरे एंट्री पॉइंट से भी गार का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते गार में पानी का लेवल कम होने लगा और अब गार के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था और ये वही पॉइंट था जिस पर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया, जिसको चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर और इक्विपमेंट्स चैम्बर 3 तक लाए जा चुके थे, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होना था। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। चैम्बर 3 से डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ पानी में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी में घंटों की स्विमिंग करने के बाद प्रोफेशनल ड्राइवर पताया बीच पॉइंट के करीब पहुंच चुके थे। ये वही पॉइंट था जहां फुटबॉलर्स के मिलने के काफी ज्यादा चांस थे, लेकिन पताया बीच पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब अंधेरी गार में उन्होंने लाइट जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो, क्योंकि इस पताया बीच पर भी लड़कों का कोई नामोनिशान नहीं था। अब कंडीशन ये थी कि डाइवर्स के पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची थी कि वह वापस चैम्बर 3 तक पहुंच सके। यानी अगर ड्राइवर इस पॉइंट से आगे गए तो उनके पास वापस लौटने जितना ऑक्सीजन नहीं बचेगा। लेकिन एक ड्राइवर ने हिम्मत की और पताया बीच से भी आगे निकल गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको एक खुशक जगह मिली और जब वह आखिरी बार पानी से निकला तो उसने वही देखा जिसकी सभी लोग उम्मीद कर रहे थे। सहमे और घबराए हुए फुटबॉलर्स पानी से निकलने वाले ड्राइवर की राह देख रहे थे और वह 13 लड़के बिल्कुल सही सलामत इस पॉइंट पर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि पूरे 10 दिनों तक बगैर खाने पीने के ये कमजोर फुटबॉलर्स आखिर जिंदा कैसे रहे? एक्सपर्ट, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था, उनको ही इस पॉइंट पर पहुंचने में 10 दिन लग गए, तो अब वह इन 13 लड़कों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? अभी तक पूरी रेस्क्यू टीम ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया था, अगले 8 दिनों में इनको इससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी कार किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकेंगे इस वीडियो की पार्ट नंबर 2 में। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे हम इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आपके समक्ष रजू कर सके। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।